आप लोग एंड वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। तो यार मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब। अब ये मज़े की बात है, ये मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा मोबाइल का पैनल डेड, मतलब बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने मेरे कपड़ा छोड़ दिया, बंद करके रख दिया। मैंने कहा नहीं होगा आज, मैंने कहा ट्राई करूँ कि अगर ऑन होता है क्या होता है। ट्राई किया तो भैया ऑन हो गया है। लाइनें हैं लेकिन बंद नहीं हो रहा है ऐसे। मतलब अब आप लोगों को शायद नज़र नहीं है लेकिन गुजारे लाइक स्क्रीन है इसकी अभी। तो वरना मेरी जो वीडियो में कल भी 14 अगस्त थी, पहले सबको 14 अगस्त मुबारक हो। कल 14 अगस्त थी तो मैंने कहा था व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन व्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इंस्टाग्राम पे आप मेरा जाके देख सकते हो पिक्चर। मैंने वैसे ही व्लॉग बनाना था लेकिन कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी वीडियो की, पिक्चर थी फिर भी गुजारी लाइक थी। तो मैंने पिक्चर खींच ली, इंस्टाग्राम पर डाल दी और मैंने बता दिया शायद, तो या नहीं बताया कि मोबाइल का मसला हो गया ना। नहीं सर, फिलहाल कुछ भी हो सकता है। मेरे मोबाइल को मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी सही चल रहा है तो बाद में ही सही चलेगा, ये मैं नहीं कह सकता सही है। तो भाई चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। मैंने कहा यार अब अच्छा, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ 2 या 3 दिन पहले। हम बहुत बुरा 3 बंदे थे, वो गिरे, वो अलग मैटर है, उसकी अलग बात है। इस वजह से भी वीडियो नहीं आ रही थी, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से भी वीडियो नहीं आ रही। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक ये मेरा मोबाइल चल रहा है ना, मैं 2-3 वीडियोज़ पहले से बना के दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दूँ क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। तो यार आज हम लोग बात करने वाले, मैं आपको 1971 से 2024 बांग्लादेश का बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970 वो साल था जब पाकिस्तान में, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में पीपी की गवर्नमेंट थी और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश उसमें मुजीबुर रहमान की। 1970 में या 71 में, क्योंकि भाई मैं टीचर नहीं हूँ इतना अच्छा, लेकिन जो जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। 1970 या 71 में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस। उसमें मेजॉरिटी वोट मिले जो वेस्ट पाकिस्तान है, जहाँ हम आज रह रहे हैं, जो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा है। ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट पाकिस्तान है। इस तरफ जो है पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली। उस टाइम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का मतलब सही था नहीं, 2 पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए पीपल्स पार्टी थी यहाँ पे। और ईस्ट पाकिस्तान में जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ है मुजीबुर रहमान की पार्टी यानी अवाम लीग पार्टी, ऐसा कुछ था उसका नाम। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर ये पार्टी। तो अब हुआ क्या, इलेक्शन हुए, मेजॉरिटी वोट्स ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिले यानी अवामी लीग पार्टी, और वेस्ट पाकिस्तान से वोट मिले पीपल्स पार्टी को। तो अब यहाँ पे मसला हो गया। देखो दो यहाँ पे चीज़ें थी, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया हमारे जो है ना बीच में आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान में। अगर मेन मसला ये था, इंडिया अगर नहीं आता तो ये दोनों एक ही लैंड होता और उसमें एक ही किसी की हुक्मरानी होती, एक ही कोई गवर्नर वो प्राइम मिनिस्टर होता। लेकिन बीच में इंडिया आ गया, इंडिया ने माना नहीं है। तो अब मसला क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान वाले ने कह रहा, वेस्ट पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ से जो मतलब मेजॉरिटी वोट जो पीपल्स पार्टी जीती है ना, तो वेस्ट पाकिस्तान का एरिया भी बड़ा था। तो वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को ही बनना चाहिए क्योंकि वो एक बड़े लैंड से जीते, तो इसलिए उनको बनना चाहिए। और मुजीबुर रहमान जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान का जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ से मुजीबुर रहमान भाई जीते तो यहाँ से उनको ही बनना चाहिए। तो इसमें बड़ा क्लैश हो गया। अच्छा अब इनमें दोनों जगहों में ये वेस्ट पाकिस्तान वाले और ईस्ट पाकिस्तान वाले दोनों नहीं मान रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान वालों के को आया ख्याल कि शायद ये हमें अपनी लैंग्वेज से नहीं मतलब कर रहे होंगे, कि इनकी लैंग्वेज अलग है बंगाली लैंग्वेज। तो यहाँ शुरू होती है वो तो क्या कहते हैं कॉन्ट्रोवर्सी एक लैंग्वेज की। ये शायद इसका एक प्रॉपर नाम है, मैं जो देखता हूँ इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रॉपर नाम है इस कॉन्ट्रोवर्सी का, ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। इनको ये लग रहा था कि हम इनको इसलिए पीछे से कर रहे हैं बांग्लादेश वालों को क्योंकि इनकी लैंग्वेज हमसे अलग है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कि हम अब भाई देखो गलत वो भी नहीं है ये भी नहीं है, मसला ये हो गया भाई वो बस रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो एक बड़े लैंड से जीता, बड़े रकबे से जीता, बड़े एरिया से जीता, तो उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुजीबुर रहमान ने और बांग्लादेश वालों ने जो है 1971 में अलहदगी का फैसला कर लिया। ये शायद हाँ 1971 में अलहदगी का फैसला किया और फाइनली 1971 में बांग्लादेश जो है वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान बन गया। यहाँ पे दोनों कंट्रीज अलग हुए। अब
अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब बांग्लादेश जो है आज़ाद हो रहा था उस टाइम जो भी मसले हुए उनमें जो लोग थे, जो इनको हम लोग कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कंपनसेशन के लिए मतलब जॉब ऑफर ज़्यादा थी उनको, एक कोटा सिस्टम जो कि आप लोग बड़ा सुन रहे हैं कोटा सिस्टम, उसे कुछ परसेंट ज़्यादा जो है रेट अमाउंट वो इनको जाना था फ्रीडम फाइटर्स को उस टाइम के, इनको ज़्यादा जॉब्स मिले क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स ने मुल्क आज़ाद करवाने मदद करवाई थी, और कुछ परसेंट सिविलियंस को जा रहा था, स्टूडेंट्स को जा रहा था, सही। बस पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था, वो अपना चिल आराम से चल रहा था। मसला क्या हुआ, वो कोटा सिस्टम जो है चलना चाहिए था कुछ सालों के लिए, क्योंकि जब तक कंट्री स्टेबल नहीं, नहीं कंट्री है, जब तक वो स्टेबल ना हो तब वो कोटा सिस्टम चले, लेकिन जब वो स्टेबल हो जाए तो वो कोटा सिस्टम हटा देना चाहिए। अब यही बात इनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, हसीना, पूरा नाम मुझे नहीं याद, हसीना नाम याद है बस, उनको एक अभी डिक्टेटर माना जाता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 10 से 15 साल वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही है, कोई हटा नहीं पाया। अभी पिछले साल इलेक्शन हुए, अपोजिशन पार्टी खड़ी नहीं हुई, इन्होंने अकेले इलेक्शन करा के खुद को वापस जिता दिया, तो इनको सारे लोग डिक्टेटर मानते हैं। और गवर्नमेंट जो है इनके हाथ में सारी, क्योंकि आर्मी भी बाकायदा इनके हाथ में थी लेकिन अब नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वॉर्डर जो आए वो इनके हाथ में ही थे। अब वो आ गया 2024 में, एक कोटा सिस्टम ही अभी तक चल रहा था, सही है। अब स्टूडेंट्स वो मेहनत कर रहे थे, उनको कम रेशो मिल रहा था, मेहनत करने वाला तो कम रेशो, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों, पोतों, पर पोतों, हर पोतों सबको, हाले पोतों सबको मिल रहा था। ये सब कहते हैं क्या कहते हैं कोटा सिस्टम का जो, अबे यार एक मिनट रुको, अब कोटा सिस्टम का जो भी जो सिस्टम था ना, कोटा सिस्टम के जितने परसेंट रेट में जो फ्रीडम फाइटर्स के घर वाले थे बेसिकली, उनको ये ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, स्टूडेंट्स को इतना नहीं दिया जा रहा था जो अब मेहनत कर रहे थे। तो इसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक कंपेन शुरू की, और उसको वो उनमें उन्होंने डिमांड की कि कोटा सिस्टम हटाया जाए, जबकि इन्होंने नहीं हटाया। कोटा सिस्टम हटाने में बहुत दंगे फसाद हुए, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए, लोग मारे गए, और आग वाग जलाई गई, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ स्कूल सब बंद कर दिए गए, इंटरनेट सर्विस सब बंद कर दिए गए। ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, लेकिन उनको भी पता है और हमें भी पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, यानी हसीना की तरफ से आए थे। तो उन्होंने फिर मतलब रोडों पे निकला है, जैसे कि आपको याद होगा 9 मई वाला वाकया, इमरान खान को जब अरेस्ट किया था तो लोग रोडों पे निकल आए थे, तो यही एग्जैक्टली वाकया हुआ। और आर्मी को एक ऑर्डर मिला था कि लोगों को मतलब घुसने ना दिया जाए गवर्नमेंट हाउस में, और पीएम हाउस में उनको घुसने नहीं, लेकिन आर्मी ने मना कर दिया कि हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे। बांग्लादेश की आर्मी ने ये काम अच्छा किया, गवर्नमेंट से हटा दी, कुछ घंटों का टाइम दिया कि हसीना को रिज़ाइन दे दें, तो उन्होंने हसीना ने एक कोटा सिस्टम हटा दिया। उसके बाद फिर लोगों ने मतलब ये अपील की कि रिज़ाइन दे दें, तो मजबूरन कुछ घंटों में खामोशी से हसीना को रिज़ाइन देना पड़ा, और रिज़ाइन दे के वो हेलीकॉप्टर से इंडिया चली। अब इंडिया वाले भी रखना नहीं चाह रहे भाई उनको, और बांग्लादेश वालों ने तो वैसे ही निकाल दिए। फिलहाल अब बांग्लादेश के हालात अच्छे हो गए हैं और हमसे भी अच्छे हो गए, अब हमारा पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे भी अच्छे हो जाएंगे भाई, मुल्क है अच्छा मुल्क है। पर मेरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।